ये देखो तो दिस इज द आम। मैंने आम बहुत अच्छी तरीके से तोड़ा, लेकिन तुमने परमिशन नहीं है भाई। अरे इतना दूर से नहीं। दोस्तों जिंदगी एक सफर है, इस सफर में आपको स्वागत है। मेरा सफर वही मेरा घर है। मेरे इस सफर में आप मेरे साथ हो, आपके बिना ये सफर अधूरा है। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहें मेरे साथ। अभी हम आप लोगों को बहुत बेहतरीन सी चीज दिखाने वाले हैं। ये देखो, ये है हेली कंफर्म। यस, पहले मिट्टी का मॉडल तैयार होता है, इसके बाद अपन मॉडल निकलते हैं फाइबर का। फिनिशिंग उसको पहला शेडिंग मारते हैं अपन। शेडिंग मारने के बाद उसको कलर मारते हैं। कलर मारने के बाद उसके ऊपर जो अपना इसका जो डॉट है वो निकल आउटर फिनिशिंग का। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं नाना पाटेकर जी के बंगलों की तरफ। यहाँ से ये रानवारा हाउस है, ये रानवारा फार्म हाउस है। हाँ, ये रानवारा फार्म हाउस है। तो सावी, क्या तुम आम तोड़ने के लिए आ रहे हैं हमारे साथ? हाँ, तो आम तोड़ना है। हाँ। तो ये देखो आम का पेड़, और बहुत लगे हुए ये आम। ये देखें सावी, आपको दिखाएंगे आम कहाँ पे। सावी कहाँ पे दिख रहा है आम? आम कहाँ पे दिख रहा है? दिखाओ दिखाओ वो। ओहो, वो देखो आम। कम ऑन, कितना बड़ा बड़ा। फार्म हाउस पे आया, फार्म पे आया। सो नाउ आई एम हैंडलिंग दिस स्टिक टू द जगदीश, सो ही कैन एक्सप्लेन वेरी वेल। बट बिफोर हैंडलिंग टू द स्टिक, आई विल शो यू आम फ्रॉम एकदम क्लोज। बहुत ही क्लोज से मैं आपको आम दिखाऊंगा। सी द आम, सी द ब्यूटी ऑफ द मैंगो, सी द ब्यूटी ऑफ द कोकोनट। यू नो, here you can get a feel of coconut bit also. वहाँ पे background में भी देखवाना, क्या मजा आ रहा है। You can enjoy the feel. See this background. See the beauty. See the nature. Wow. बड़ा amazing. और उसके पीछे सिंहगढ़ है, सिंहगढ़ खड़कपाता, sorry. सिंहगढ़ जो fort है, वो सिंहगढ़ fort आगे ऊपर। और that's our family is enjoying ये सब आम का चीज। हम लोग आम देखा अभी, हम लोग ने जोश में तो आम तोड़ रहे हैं, पर क्या सी ये मैं तोड़ रहा, क्या मुसीबत आ सकता है पता नहीं। ये देखो तो दिस इज द आम। मैंने आम बहुत अच्छी तरीके से तोड़ा, लेकिन तुमने परमिशन नहीं है भाई। अरे इतना जोर से नहीं, तो आम ले लिया बिना पता नहीं, बिना परमिशन के आम तोड़ दिया हम लोग किसी के फार्म में आके। तो एक्चुअली हम लोग ये घूमने आया था, तो नाना पाटेकर जी के फार्म हाउस बिल्कुल आजू बाजू में ही है। हम लोग नीचे जाते हैं और उसी के साथ साथ ये आम भी हम लोग तोड़ के देखो कैसा टेस्टी कैसा है। सो ये आम लाया है, फोड़ के देखो थोड़ा। नहीं तोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों ये फार्म हाउस है, एक्चुअली आम वाम लगा हुआ है, ये पूरा फुल फार्म हाउस एरिया है ना ये। हाँ, वो इसे नाम पे रखा है। तो ये फार्म ही है ना, क्या फार्म खेती है इधर? हाँ, मोटा सुना।
क्या क्या खेती होता है? मतलब आम इधर इधर आम भी आम भी ज्यादा आम ही ज्यादा मतलब मेनली आम पुणे का आम इसलिए ये गोवा तक जाता है। हाँ मुझे पता है गोवा का ये मतलब पुणे का ये हम लोग जैसे फार्म एरिया में आया हूँ ये जो आम का ही सब पेड़ ज्यादा तक मतलब जितना भी लोकेशन है ना और यहाँ का आम एक्सपोर्ट होता है गोवा मुंबई या अलग अलग जगह में होता है ना तो आम मतलब पुणे में ज्यादा होता है तो ये पुणे में आम बहुत प्रोडक्शन होता है। हाँ, और ये भैया भी खेती करता है आम का। कितने कितना है कितना एकड़ है ये तुम्हारा? हमारा एक एकड़ है। एक एकड़ है तो प्रोडक्शन कितना हो जाता है एक एकड़ में? नहीं वो बारिश के वास्ते कुछ मुझे ज्यादा ज्यादा नहीं लेकिन चल जाता है चल कभी कभार अच्छा हो जाता है ठीक है। अच्छा होगा भैया ठीक है। हाँ हम ऐसे घूमने फार्म हाउस देखने आया था ठीक है चलो फिर अच्छा लगा। तो हाँ ये बैगन का भी लगा के रखा है बैगन है वो और वहाँ पे पार्टी भी हो रहा है फार्म हाउस है ना है बहुत लोग का फार्म हाउस है। ये इस तरह आम है ही देखो आम का पेड़ है पुणे में आम बहुत प्रोडक्शन होता है यहाँ पे और यहाँ आम एक्सपोर्ट भी होता है। तो वो ये ना ये जो ये क्या बोलते हो स्टिकी ना वो खराब है स्किन उठ जाता है काला पड़ जाएगा। Please.